अवार्ड में दिया, तो उसका नाम सुनना चाहेंगे? तो मिस संदेश मैम की जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको 2 साल से सीख रही हूँ। मैं भी बीएससी मैथ सेकेंड ईयर पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इसको हम लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहा जाए तो हम लोग इसको फैमिली बिजनेस कहते हैं। पहले मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट की तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार प्लान देखते हैं तो समझ में आता है क्या नहीं आता, मेरे को भी नहीं आया। बट मैंने इसको सीखा, हमेशा जीटीएस को अटेंड किया। और मेरे मम्मी पापा पहले बोलते थे कि ये फालतू का काम है, ये तुम कहाँ जाते हो, क्या ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ऐसे बोलते थे। लेकिन मैं जब उसके बातों पर ध्यान देती तो आज आगे बढ़ पाती क्या? नहीं बढ़ पाती। लोग तो बोलते हैं दोस्तों, टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप लोग अपने अपलाइन पर ध्यान दीजिए। मैं हमारे जितने भी अपलाइन, हमारे डॉक्टर एमडी मणिपुरी सर, एसडी मणिपुरी सर, हमारे महागुरु नया सर, हमारे महागुरु के आर साहब सर और एनटीसी सर को तहे से प्रणाम करती हूँ। सर के लिए जोड़ कर ले आसमान को, जमीन की तलाश मत कर, जी ले जिंदगी को, खुशी की तलाश मत कर, तकदीर तो यूं बदल जाएगी मेरे दोस्त, बस मुस्कुराना सीख ले, तकदीर की तलाश मत कर।